उसी की है जिसकी मैंने पहले ट्रायंगल कटिंग की है, इसकी भी उतनी ही लेंथ है, घेरा हर चीज़। ये इसकी यहाँ से पहले शुरू करेंगे, ये 2 कम 8 इसका तीरा था, तो यहाँ से इसकी 1 इंच का क्रॉस लेंगे, ये गले तक इधर तक, ये यहाँ। अब इसके बाद इसका कंधा लेंगे 7 इंच, यहाँ से रख के ये हो गया 7 इंच इसका कंधा। इसको इसके साथ ऐसे अटैच कर देंगे ऐसे। अब इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच छोड़ के यहाँ से 14 इंच तक इसका भी कमर लेंगे। इसकी कमर है 16.5 और ये होगी 16.5। अब इसकी चेस्ट है 20 इंच, तो 10 इंच इसकी ये 10 पे निशान लगाया। और इसके बाद इसका दरमियाना फासला ये जो है ये 13 इंच है, तो यहाँ पे निशान लगा के 20 इंच इसकी बनती है हिप, और ये 20 हो गई। यहाँ से इसको चेस्ट को कमर के साथ मैच करेंगे और कमर को जो है हिप के साथ मैच कर देंगे, ये हो गई। अब इसकी लेंथ लेंगे 48 इंच इसकी लेंथ है, यहाँ से आधा इंच छोड़ के, क्योंकि कंधे की सिलाई लगनी होती है, गला बनना होता है, और ये हो गया 48 इंच। इसके ऊपर ये पाइपिंग करनी है, उसके ऊपर पट्टियाँ लगानी थी, इसके ऊपर पाइपिंग करनी है, तो इसका घेरा है 23 इंच, इसका हाफ लेंगे, ये 11.5 पे निशान लगाया। अब इसको घेरे को हिप के साथ ऐसे निशान लगा देंगे, ये हो गया, ये हो गया इसका घेरा। अब ये इतना इतना जो है पाइपिंग के लिए छोड़ा है ये कपड़ा जो है। अब इसकी इसके ऊपर उस कलर की पाइपिंग करेंगे। अब इसकी कंधे की गुलाई करते हैं, ये कंधे की गुलाई ऐसे अंदर को थोड़ी सी करेंगे, ये कंधे की गुलाई हो गई, तो इसकी कंधे की गुलाई 8.5 बनती है, ये हो गई, ये 1/2 इंच सिलाई में आ जाएगी, और 8.5 ये कंधे की गुलाई हो गई, ये हो गई। अब इसकी कटिंग करते हैं, ये थोड़ा सा अभी इसकी कटिंग करते हैं, ये हो गई इसकी कटिंग। इसकी ऊपर वाले की जो है फ्रंट की अलहदा हो गई कटिंग, और बैक साइड की अलहदा हो गई, क्योंकि फिर इसका गुलाई जो थोड़ी ज़्यादा होगी फ्रंट की, जो कमीज़ का कंधा है ना ये पीछे ना जाए, इसलिए ये ऐसे होगी। इसकी थोड़ी सी पीछे की जो है वो कम करेंगे, आगे की ज़्यादा करेंगे, कमीज़ का कंधा जो है पीछे, गला पीछे ना जाए, तो कम से कम इतनी छोड़ देंगे, क्योंकि इसकी पाइपिंग करनी है, तो कम से कम 1/2 इंच कपड़ा हो इसके, ये इतना पाइपिंग करनी है, तो ये इसका हो गया तीरा, ये हो गया इसका कंधा, ये चेस्ट, ये कमर, ये हिप, और ये दामन हो गया, और ये लेंथ हो गई। तो नाज़रीन ये इसकी कटिंग हो गई, ड्रैग और कटिंग। इसके बाद अब बाजुओं की करते हैं, ट्राउज़र की कटिंग कर ली है, उसके ऊपर प्लेट डालने हैं, लेस लगानी है, वो भी इसके साथ ही रखी हुई है, उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब बाजुओं की कटिंग बताते हैं, आज दूसरी शर्ट की आपको बता रही हूँ ड्रैग और कटिंग, तीसरी की भी मैं थोड़ी देर बाद वो भी आपको ड्रैग और कटिंग करके बताऊँगी, क्योंकि लड़कियाँ आती थी मेरे पास टाइम नहीं होता था, आज मैंने कल से इनको छुट्टियाँ दे दी हुई थी, तो इसलिए मैं आज आपको 3 शर्ट की ड्रैग और कटिंग बताऊंगी इंशाल्लाह। तो ये जो बाजू है ये भी वैसे ही है, एक ही लड़की की हैं दोनों ये सूट जो हैं, इसकी भी इधर से ही 3.5 इंच क्रास लेंगे ये कंधे से, ये बाजू की जो है इसकी 8.5 बनती है, ये यहाँ तक, यहाँ से ऐसे गुलाई करेंगे, 8.5 पे इसका निशान लगा लेंगे, ये हो गया 8.5। अब इसकी लेंथ देखेंगे, यहाँ तक 17 इसकी लेंथ बनेगी, इसके आगे भी पाइपिंग ही करनी है, और इसके भी वेलवेट बाजू ही बनाने हैं आगे से खुले, ये 8 पे निशान लगाएंगे, इसकी भी अंदर को गुलाई करेंगे ऐसे ऐसे, और इधर से इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता गुलाई करते जाएंगे,
और ऐसे इसको मैच कर देंगे इसके साथ। तो मैं इंशाल्लाह ये जो मैं आज 2-3 सूट की कटिंग कर रही हूँ ये आज शाम तक मैंने सिलाई करके देने हैं। ईद आई है तो ईद का रश है, तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह मेरी सिलाई जो एक बार देख लेता है वो बार बार आता है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। कपड़ों का रश लगा हुआ है, ईद आई हुई है तो इंशाल्लाह 4 दिन रह गए हैं। ये हो गई दूसरी, अब तीसरी शर्ट की मैं आपको थोड़ी देर बाद कटिंग करके बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो, अगर आपको मेरी ड्राइंग कटिंग पसंद आए तो लाइक करें। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मैं एक और तीसरी कटिंग ड्राइंग बताऊंगी शर्ट की। तो उस तब तक के लिए खुदा हाफिज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।